वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम राकेश ठाकुर है और आप हैं अन अकेडमी के लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स चैनल पे। दोस्तों, जब आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे कर ली जाए। वैसे तो आपको पता ही है कि अन अकेडमी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, तो अन अकेडमी पे आपको यहाँ पे जो लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स का जो चैनल है, इस पे आपको बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आपके बीपीएससी के एग्जाम हो, बिहार एसआई का एग्जाम हो, सचिवालय सहायक का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम आपके हैं बिहार से रिलेटेड, उनके सिलेबस का कंप्लीट आपको यहाँ पे कवरेज मिलेगा। 50 प्लस टॉप के एजुकेटर आपको मिलेंगे बिहार स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी के लिए, आपको प्रोवाइड होंगे और इन एजुकेटर्स का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो अत्यंत ब्राइट है और इनके गाइडेंस में आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको टेस्ट सीरीज का फायदा होगा आपको। आप जो दोस्तों फ्री क्लासेस लेते हैं उनके कुछ लिमिटेशन हैं और प्लस क्लासेस में आपको क्या क्या फायदे होंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो फ्री क्लासेस हैं उनके क्या क्या लिमिटेशन है दोस्तों, तो यहाँ पे फ्री क्लासेस में लिमिटेड सिलेबस को कवर किया जाता है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा आपको मिलती है, इसके अलावा ओकेजनली आपको पीडीएफ नोट्स इत्यादि यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। आपके जो डाउट्स होते हैं उनका लिमिटेड तौर पे इन डाउट्स का सॉल्यूशन होता है फ्री क्लासेस में। लेकिन जब आप प्लस क्लासेस अनअकैडमी के प्लस क्लासेस को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हर चीजें आपको प्लस मिलने लगती है, सरप्लस चीजें मिलने लगती है। कैसे? तो जब आप अनअकैडमी के प्लस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपके एग्जाम के सिलेबस का कंप्लीट कवरेज किया जाता है, कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलता है जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको अनलिमिटेड तौर पे उपलब्ध होगा। इसके अलावा जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स का जो सोल्यूशन टॉप के एजुकेटर्स के द्वारा होगा। तो क्या क्या बेनिफिट है अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने में, तो दोस्तों आपके फेवरेट एजुकेटर से आप लाइव क्लास के माध्यम से आप चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ते हैं। डिफरेंट बैच कोर्स है डिफरेंट एग्जाम के लिए, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है जिसमें आप अपने डाउट्स को लाइव क्लास के थ्रू आप समझते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। इसके अलावा इंट्रैक्शन के लिए पोल, कॉमेंट, क्विज की सुविधा आपको उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जो एक महत्वपूर्ण फायदा आपको दोस्तों यह होगा कि यदि आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो वन सब्सक्रिप्शन में ही आपको अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा मिलेगी, जिसमें आप हर कैटेगरी के कोर्स को और हर एजुकेटर्स के आप क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं, जितने भी वीडियोज हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपनी सहूलियत के अनुसार, समय के अनुसार उनको आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। रिविजन के लिए आप पीडीएफ नोट्स इत्यादि डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग की सुविधा आपको मिलती है। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एजुकेटर जिनके द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। बीजे बीपीएससी 66 कंप्लीट कोर्स चालू किया गया है 2 अक्टूबर से, जिसके बारे में उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सारा आपके सामने है, कौन कौन से एजुकेटर पढ़ाएंगे उनके बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसके अलावा शिखर बिहार एसआई एग्जाम कंप्लीट कोर्स जो शुरू हुआ है 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है और उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपके स्क्रीन पे है। कैसे आप अनअकैडमी के लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो जब आप अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्लिक करेंगे बीपीएससी, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे दोस्तों गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यह पेज खुल जाएगा। जब दोस्तों आप यदि 12 मंथ का यदि आप कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए आपको 6300 यानी कि 6300 रुपये आपको फीस देनी होगी। लेकिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप इस बॉक्स में मेरा रेफरल कोड राकेश1 RAKESH1
इस बॉक्स में जब आप मेरा रेफरल कोड राकेश वन टाइप करके जब आप यहाँ पे प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपको दोस्तों इस फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, मेरे रेफरल कोड के द्वारा। तो मेरे रेफरल कोड राकेश वन का आप उपयोग करें और फीस में 10% का दोस्तों डिस्काउंट प्राप्त करें। जब आप अनअकेडमी के लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे बीपीएससी के, तो आपको लाइव क्लास अटेंड करने की सुविधा मिल जाएगी। किसी भी एजुकेटर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्विज में आप पोल के माध्यम से इंटरेक्शन करते हैं और आप देखते हैं कि कितने कम समय में आपने प्रश्न का उत्तर दिया। इसके अलावा आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा जिसमें आप अपने डाउट्स का सोल्यूशन कर सकते हैं। वीकली क्विज की सुविधा आपको मिलेगी। मेरे बारे में दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरा नाम राकेश ठाकुर है और मैं विगत 10 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर के अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी और राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पिछले 10 वर्षों से मैं ज्योग्राफी विषय में टीचिंग दे रहा हूँ, उनको ज्योग्राफी में उनको गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप बीपीएससी को सब्सक्राइब करते हैं और 12 मंथ का यदि आप कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए आपको 6300 रुपये की फीस देनी होगी, और यदि आप 24 मंथ का कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए आपको 7560 रुपये की फीस देनी होगी। लेकिन दोनों कोर्स में से प्रत्येक में मेरे रेफरल कोड राकेश वन का दोस्तों जब आप उपयोग करेंगे तो आपको आपके फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब अनअकैडमी एंड नाउ टू क्रैक बीपीएससी, लेट्स क्रैक इट। ओके दोस्तों, तो आइए चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। हम लोग जियोग्राफी विषय हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम अभी होने वाले हैं 66th बीपीएससी का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और उन्होंने दिसंबर में एग्जाम का डेट भी दे दिया है। तो हम लोग बीपीएससी के एग्जाम में ज्योग्राफी विषय की कैसे तैयारी करें इसके संदर्भ में हम लोग क्लास की शुरुआत किए हैं और हम लोगों ने विश्व के भूगोल से क्लास की शुरुआत किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि विश्व का भूगोल भूगोल का थ्योरेटिकल पार्ट है, उसका उसकी रीढ़ की हड्डी है, नींव है। तो यदि विश्व के भूगोल का कंसेप्ट आपके पास बेहतर होगा तो आप भारत के भूगोल और बिहार के भूगोल को भी आप दोस्तों बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का क्लास का टॉपिक है दोस्तों वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। वायुमंडल का संगठन यहाँ पे का होगा, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फियर, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों को यह टॉपिक, आप दोनों टॉपिक वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना को आज हम लोग को पढ़ना था, लेकिन मेरी तबीयत जो है वो सुबह से थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, फीवर था मुझे, तो मैं भी दवा खा के बैठा हूँ आपके सामने। तो मुझे लगता है कि शायद आज पूरी क्लास नहीं हो पाएगी। तो आज जो है वो वायुमंडल का संगठन हम लोग पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर पढ़ेंगे, और कल की क्लास में दोस्तों हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूं तो जैसा लग रहा है कि सर फट जाएगा, पूरा सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले दोस्तों हम लोग यह देखते हैं कि वायुमंडल है क्या, वायुमंडल है क्या, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देखो मान लो कि यह आपकी पृथ्वी है, मान लिया कि यह आपकी पृथ्वी है, इसको आप गोलाकार मान लीजिए, जियोवाइड, ठीक है, यह पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ, चारों ओर से जो गैसीय आवरण घेरा हुआ है, जो बहुस्तरीय, जो मल्टीलेयर, जो गैसीय आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल क्या है? एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घिरे हुए है
और यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से अटैच है, पृथ्वी से संबद्ध है। ठीक है, तो यदि वायुमंडल को दोस्तों, यदि वायुमंडल को यदि हमको परिभाषित करना हुआ, वायुमंडल को यदि परिभाषित करना हुआ तो हम आसान शब्दों में, सिंपल शब्दों में हम वायुमंडल को कैसे परिभाषित करेंगे दोस्तों? तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल वायुमंडल एक वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, पृथ्वी को चारों ओर या चारों तरफ से घेरे हुए है। देख रहे हैं आप, ये वायुमंडल क्या है? बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए, ठीक है। और यह पृथ्वी से कैसे संबद्ध है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति या बल, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से संबद्ध है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस पे काम नहीं करती तो यह वायुमंडल क्या होता? पृथ्वी के चारों तरफ नहीं व्याप्त होता, ठीक है। तो वायुमंडल क्या है दोस्तों? तो वायुमंडल एक बहुस्तरीय, गुड इवनिंग रवि जी, हाँ रवि ऐसा मुझे भी लग रहा है बाबू कि चूंकि आज यूपीएससी का एग्जाम था प्रीलिम्स का, तो इसलिए जो बच्चे हैं वो प्रीलिम्स का एग्जाम देने गए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, जितने लोग हैं, हम हैं और आप हैं, तो हम दोनों भाई मिलकर पढ़ते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं? तो आइए देखते हैं, हम लोग दोनों भाई मिलकर हम लोग पढ़ते हैं कि आज वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो नमस्कार नीतू जी, तो आइए, ठीक है। तो वायुमंडल को हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, कि अगर ये पृथ्वी है, ये अगर यदि कि अर्थ है, तो अर्थ को चारों तरफ से जो मल्टी लेयर जो गैसीय जो आवरण है, यह पृथ्वी को चारों तरफ से घिरे हुए है, और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और यह जो वायुमंडल है वह पृथ्वी के चारों तरफ किस कारण से व्याप्त है? तो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से संबद्ध है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस वायुमंडल की विशेषता क्या क्या है? तो इस वायुमंडल की विशेषता अगर देखते हैं कि आखिर इस वायुमंडल की विशेषता क्या है, इस वायुमंडल को हमको पढ़ने की जरूरत क्या क्यों हुई, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इस वायुमंडल की विशेषता क्या है, ठीक है। तो वायुमंडल जो है वह सभी जीव मंडल के सभी जीवधारियों के लिए, जीव मंडल के सभी जीव मंडल के सभी जीव धारियों के लिए इसमें सभी
सभी आवश्यक चीजें, जैसे आपका गैस हो गया, गैस, उष्मा, जल, इटीसी प्राप्त होता है। ठीक है, तो वायुमंडल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या क्या विशेषता है? तो जितने भी जीवधारी हैं, चाहे आपके मानव हो या आपके कोई जानवर जीव जंतु हो या आपके वनस्पतियां हो, इनके लिए, इन जीवधारियों के लिए, इनके जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, जैसे आपका गैस है, उष्मा है, जल है, इन सारी चीजें जो हैं वो वायुमंडल से हमको क्या होती है, वायुमंडल से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और क्या है, वायुमंडल की विशेषता क्या है और वायुमंडल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों, यह जो सूर्य से जो पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, सूर्य से जो पराबैंगनी एक किरणें आती हैं, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनका दोस्तों यह वायुमंडल क्या कर लेता है, उनका यह अवशोषण कर लेता है। ठीक है, उनका यह अवशोषण कर लेता है वायुमंडल। ठीक है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण यह पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे नहीं आ पाती हैं। ठीक है, पृथ्वी पे नहीं आ पाती हैं, पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। दोस्तों, आज की क्लास को आप आराम से समझना और बिल्कुल समझना, क्योंकि आज की जो क्लास है वह यह डिसाइड करेगी कि आपका क्लाइमेटोलॉजी की जर्नी कैसे होने वाली है। जिस प्रकार हम लोग जब भूपटल पे परिवर्तन लाने वाले बल पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि आपको आज की क्लास ये डिसाइड करेगी कि जियोमॉर्फोलॉजी का आपकी जर्नी कैसी होगी। उसी प्रकार आज की क्लास और जब हम लोग विश्व का ताप एवं दाब कटिबंध पढ़ेंगे, तो ये दोनों जो क्लासेस हैं यह आपको डिसाइड करेगा कि आपकी न सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी बल्कि बाकी की भी जो चैप्टर्स हैं उनकी आपकी जर्नी कैसे होने वाली है भूगोल में। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास को आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल की विशेषता क्या है? तो वायुमंडल जो है वह जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं आपके इस धरातल पे, चाहे वे आपके मानव हो या प्राणी जगत का कोई जीवधारी हो या आपके वनस्पति जगत का कोई जीवधारी हो, उनके जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, जैसे आपका गैस है, आपकी उष्मा है, आपका जल है, इन सब चीजों की प्राप्ति हमको वायुमंडल से होती है। वायुमंडल क्या करता है कि सूर्य से जो पराबैंगनी जो किरणें आती हैं उनका वायुमंडल अवशोषण कर लेता है और इनको पृथ्वी पे नहीं इनको आने देता है, जिसके कारण एक तो पृथ्वी का जो ताप है वो आपका जो ताप संतुलन है वो आपका बरकरार रहता है, और दूसरा जो इन पराबैंगनी किरणों का जो दुष्प्रभाव है, जैसे यदि पराबैंगनी किरणें मानव के शरीर पर पड़ेंगी तो क्या होगा, त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी जो चीजें हैं उनसे क्या करता है, वायुमंडल आपको बचाता है। दोस्तों, प्रकृति ने आपके बचाव के लिए हर चीजों को बनाया है, मानव ने अपने क्या किया है, मानव ने अपने स्वार्थ के लिए उन सारी चीजों को तहस नहस कर दिया है। ठीक है, और जो प्रकृति ने व्यक्तियों को जो रंग रूप दिया है, उनको उनकी जो आकार आकृति दी है, वह उनकी जरूरतों के अनुसार और उस जगह के एटमॉस्फेयर के अनुसार, जलवायु के अनुसार उनको दिया गया है, ताकि वो संबंधित जलवायु विशेष में वो अब सर्वाइव कर सकें और रह सकें। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं या और जगह हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जो उत्तर पूर्वी जो भारत के जो हमारे भाई बहन हैं, जो उत्तर पूर्वी भारत के जो भारतीय लोग हैं, उनको यहाँ पे दिल्ली वगैरह में या मोस्टली जो उत्तर जो भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनके जो कदकाठी है उनके कारण या उनकी चपटी नाक के कारण तो उनपे नस्लीय टिप्पणी की जाती है, या आप देखते होंगे कि जो आपके जो जो विषुवत रेखीय जो अफ्रीकी जो देश के जो लोग हैं,
जो काले होते हैं, जिनका रंग काला होता है, तो उनपे भी क्या होता है कि उनपे भी जो है नस्लीय टिप्पणी की जाती है, ठीक है। लेकिन प्रकृति ने क्या किया है कि हर व्यक्ति को जो कदकाठी दिया है, जो रंग रूप दिया है, वह उसकी जरूरत के अनुसार, उस जगह विशेष, जलवायु विशेष के अनुसार दिया है, ताकि व्यक्ति जो है वो सर्वाइव कर सके। अब देखिए, हमारे शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है दोस्तों, मेलानिन। पढ़ा होगा आपने, हमारे शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है मेलानिन, ठीक है। तो मेलानिन क्या करता है? तो मेलानिन आपको जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणों का जो घातक प्रभाव है, जिसके कारण जो शरीर पे जो त्वचा कैंसर हो, स्किन कैंसर की जो आपकी संभावना होती है, तो उसको मेलानिन क्या करता है? मेलानिन वो आपको दूर करता है। कैसे दोस्तों? तो देखिए, जब सूर्य की किरणें जब आपके बॉडी पे पड़ती है, आपके स्किन पे पड़ती है, तो इस मेलानिन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन होना शुरू होता है, और ये क्या करता है कि यह आपके शरीर के, आपके जो शरीर का जो स्किन है उस पर एक क्या करता है, एक आवरण, एक काले रंग का आवरण क्या करता है, वो डालता है, ठीक है। और इस मेलानिन के कारण जो पराबैंगनी किरणें का जो प्रभाव है आपके स्किन पे, वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है और आप त्वचा कैंसर से बच जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो विषुवत रेखीय जो प्रदेश है, यदि मान लीजिए कि यह सन है, सन है, और सन की किरणें, कोई ये प्लेस है, यहाँ पे सन की जो किरणें है वो परपेंडिकुलर है, वह लंबवत है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी दोस्तों? तीव्र होगी। तो जब इंटेंसिटी तीव्र होगी, तो यहाँ पे जो सन की जो किरणें हैं वो आराम से वायुमंडल की परतों को वो छेद के आपको यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जब आराम से, जब इनकी इंटेंसिटी जब तीव्र है, तो जब छेद के पहुंचेंगी तो पराबैंगनी जो किरणें हैं उन भी वही पहुंच जाएंगी। तो यहाँ के व्यक्तियों पे जब पराबैंगनी किरणों का जो प्रभाव पड़ेगा, तो उनमें स्किन कैंसर हो जाएगा। तो प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने क्या किया कि जो विषुवत रेखीय जो प्रदेश हैं, वहां के निवासियों में हार्मोन, जो मेलानिन नामक जो हार्मोन है, उसका सिक्रेशन उन्होंने अधिक कर दिया। तो इसी कारण आपको वहां पे जो लोग मिलेंगे वो आपको काले रंग के मिलते हैं, ठीक है। या उनके आप नाक के जो नासिका का जो छिद्र होता है, जो नाक का जो छिद्र होता है, वो आपको बड़ा बड़ा आपको मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो बहुत गर्म है, उमस है वहां पे, तो उनको ऑक्सीजन जो है, वो ऑक्सीजन उनको, चूंकि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, उमस वगैरह होगा, तो आप देखते हैं ना कि जब उमस वगैरह होता है तो हम लोगों का भी दम घुटने टाइप करने लगते लगता है, ठीक है। तो चूंकि जब नासिका का जब छिद्र जब बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि अधिक पैमाने पे जो है वो आपका वायु अंदर जाएगा, और उनको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी वो उनकी पर्याप्त आपूर्ति उनको हो जाएगी, ठीक है। तो प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति विशेष को जो भी जो रंग रूप कदकाठी दिया है, वह उस जलवायु विशेष में उसके सर्वाइव करने के लिए दिया है। इसलिए कभी भी किसी के संग कोई भी आप नस्लीय टिप्पणी से आप बचेंगे, ठीक है। एक बेहतर इंसान, एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बनने का जो है वो, ये एक बहुत बड़ा जो है ये पैमाना है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का आप मजाक नहीं उड़ाएं उसके कदकाठी आकार के आधार पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनका यह अवशोषण कर लेती है और पृथ्वी पे इनको आने नहीं देती है, ठीक है। इसके अलावा क्या करती है, जो वायुमंडल की विशेषता क्या है? तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका सन है, ये आपका सन है, ये सन है, और ये जो है वो आपकी पृथ्वी है। लीजिए, रंग हमने क्या किया, रंग हमने चेंज कर दिया। ये जो आपकी है, यह आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी। अब देखिए दोस्तों, सन से जो सूर्यातप की प्राप्ति होती है पृथ्वी को, वह सौर विकिरण के माध्यम से होती है, और ये जो तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? यह लघु तरंगों के रूप में इन सौर विकिरणों की आपूर्ति होती है, ठीक है। और पृथ्वी जब इनको परावर्तित करती है, तो यह कैसे करती है वायुमंडल में? तो यह करती है दीर्घ तरंगों के रूप में। कैसे? दीर्घ तरंगों के रूप में, ठीक है, दीर्घ तरंगों के रूप में, ठीक है दोस्तों।
तो सन से जो पृथ्वी को जो सूर्यत्व की प्राप्ति हो रही है जिन सौर विकिरणों के माध्यम से, तो वो लघु तरंगों के रूप में होती हैं, और पृथ्वी जब इनका विकिरण करती है तो वह दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण करती है। ठीक है, तो जो आपका वायुमंडल है, आपका वायुमंडल मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इस वायुमंडल को हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये वायुमंडल को बना दिया, तो वायुमंडल क्या करता है कि जो लघु जो तरंगों के रूप में जो सौर विकिरण की जो आपूर्ति हो रही है पृथ्वी पे, तो यह वायुमंडल इसको आने देता है। लेकिन जब पृथ्वी पार्थिव दीर्घ तरंगों के माध्यम से जब इसका विकिरण करती है, तो यह क्या करता है, यह वायुमंडल के बाहर इसको जाने नहीं देता, उष्मा को रोककर एक विशाल कांच, एक ग्लास हाउस, कांच घर का एक ग्लास हाउस की भांति यह काम करता है। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, कि जो अर्थ का जो आपका जो एवरेज जो टेम्परेचर है, वह आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर आपका बना रहता है, और यह तापमान जो है वो पृथ्वी पर जीव मंडल के विकास का आधार होता है। ठीक है, तो वायुमंडल की क्या विशेषता है, वायुमंडल हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, देखा आपने क्यों, कैसे दोस्तों, क्योंकि जो सन से जो पृथ्वी को जो सौर विकिरण की जो प्राप्ति हो रही है, वह लघु तरंगों के माध्यम से हो रही है, और लघु तरंगों को जो सौरिक जो लघु तरंगे हैं उनको तो ये वायुमंडल पृथ्वी तक आने दे रहा है, लेकिन पृथ्वी से जो पार्थिव जो दीर्घ तरंगों के माध्यम से जो ऊष्मा का जो विकिरण हो रहा है, उनको यह बाहर जाने नहीं दे रहा है। एक कांच ग्लास के रूप में यह काम कर रहा है, यह वायुमंडल एक आपको ग्लास हाउस के रूप में यह वायुमंडल काम कर रहा है, जिसके कारण जो पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वह आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, और यह जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यही क्या है, इस पृथ्वी पर यह जीव मंडल जो है पृथ्वी पे उसका यह आधार है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वायुमंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से संबद्ध है। ठीक है, वायुमंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वायुमंडल आपको पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, इसके अलावा जो सूर्य से जो लघु तरंगों के माध्यम से जो सौरिक विकिरण जो सूर्यतप की प्राप्ति हो रही है, उसको तो वह पृथ्वी तक आने देता है, लेकिन पार्थिव जो दीर्घ तरंगों के माध्यम से जो पार्थिव विकिरण होता है, उसको यह वायुमंडल के बाहर नहीं जाने देता, और जिसके कारण जो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है, और इस औसत तापमान के कारण ही पृथ्वी पर जीव मंडल का क्या है, विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से वायुमंडल हमारे लिए क्या है, अत्यंत लाभदायक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वायुमंडल का संघटक क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो इस वायुमंडल में हम लोगों ने क्या देखा कि वायुमंडल क्या है, बहुस्तरीय गैसीय आवरण है, तो आखिर इसमें कौन कौन से कंपोजिशन है, कौन कौन से चीजें जो है इसमें है, आप कोई दवा खरीदते होंगे मेडिसिन, तो आप देखते होंगे कि उसमें कंपोजिशन लिखा होता है। ठीक है, यदि मान लो कि सपोज करो कि आपने आपने यदि निमोसलाइड आपने खरीदा, वैसे तो निमोसलाइड जो है वो का कंपोजिशन जो है वो भारत में बैन है, लेकिन तब भी क्या होता है, चोरी छिपे वो बिकता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद निमोसलाइड का कंपोजिशन क्या है वो बैन है। या मान लो कोई आपने एंटा एसिड कोई आपने दवा खरीदा, तो उसमें कंपोजिशन लिखा होता है। ठीक है, कि इसमें इतना एलिमेंट ये है ये है ये है ये है, तो वैसे ही इस वायुमंडल का जो संघटक है, जो बहुअसरी जो गैसीय आवरण है, उनमें क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हवा। हवा हवा क्या होता है दोस्तों, हवा एयर, हवा क्या होता है, तो हवा विभिन्न गैसों का, हवा दोस्तों विभिन्न विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, यांत्रिक सम्मिश्रण है। ठीक है, हवा और जो वायुमंडल है, वायुमंडल मूलतः, वायुमंडल बेसिकली, वायुमंडल मूलतः तीन आधारभूत तत्वों,
फंडामेंटल जो एलिमेंट्स हैं, तीन आधारभूत तत्वों तत्वों या संघटकों से मिलकर बना है, संघटकों से मिलकर बना है। ठीक है, वायुमंडल मूलतः तीन आधारभूत तत्वों या संघटकों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो तत्व साहब? तो पहला है आपका गैस, दूसरा है आपका जलवाष्प और तीसरा है आपका एयरोसोल। यह आपका यूपीएससी यहां से प्रश्न पूछ चुका है, एयरोसोल के बारे में यूपीएससी दोस्तों प्रश्न पूछ चुका है, यह आपका एयरोसोल। तो जो वायुमंडल है वह मूलतः तीन आधारभूत तत्वों या संघटकों से मिलकर बना है, जिसमें आपका गैस है, जलवाष्प है और आपका एयरोसोल है। ठीक है, हाँ ठीक है सुकृति। तो देखते हैं कि जो गैस है वह गैस कौन कौन सी हैं जो प्रमुख रूप से गैसें हैं वायुमंडल के संघटकीय पदार्थ के रूप में, और जलवाष्प और एयरोसोल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं और देखते हैं कि गैस, ठीक है, तो जो गैस है, जो वायुमंडल में जो गैस है, वो गैस जो है वो उनको दो वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं, कांस्टेंट या परमानेंट गैस और वेरिएबल गैस। ठीक है, स्थिर या स्थायी गैस या और परिवर्तनशील गैस। तो दोस्तों आपका जो स्थिर गैस है, जो आपका जो परमानेंट गैस है, उनमें जो सबसे जो प्रमुख गैस है वो है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका आर्गन। ठीक है, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नाइट्रोजन का कितना परसेंट है? तो आपका 78.8% करीब है। ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन दोस्तों 20.9% या 21%, और आर्गन कितना है? तो आर्गन 0.9% के करीब है। ठीक है, ये आपके कांस्टेंट या परमानेंट गैस हैं। जो आपकी जो परिवर्तनशील गैस है, इन परिवर्तनशील गैसों में हम किसको किसको शामिल करते हैं? तो इसमें जलवाष्प को यदि हम इसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वो भी वेरिएबल होता है जलवाष्प। तो आपका जलवाष्प, फिर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है आपका ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, फिर आपका जेनॉन, ये एक्स ई है जेनॉन, फिर आपका मिथेन। मिथेन इटीसी, इसको हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग जो है वो गड़बड़ हो रही है। तो जो भी हमने क्या देखा कि वायुमंडल का जो मूलभूत जो संघटक है वो तीन तत्व है, गैस है, जलवाष्प है और आपका एयरोसोल है। ठीक है, गैस जो है उन गैसों को हम दो वर्गों में, जितने भी गैस पाए जाते हैं वायुमंडल में उनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा आपका? तो स्थिर या स्थायी गैस, जो कांस्टेंट या परमानेंट गैस है, और इसके अंतर्गत हम लोग नाइट्रोजन, आपको ऑक्सीजन और आर्गन को हम लोग शामिल करते हैं। जो परिवर्तनशील जो गैस है उसके अंतर्गत जलवाष्प भी क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो जलवाष्प को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन, मिथेन इत्यादि, ये सब क्या है? सब परिवर्तनशील गैस है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि जो भी आपके स्थिर या जो आपके परिवर्तनशील गैस हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी जो चीजें हैं वो हमको एग्जाम के लिए पढ़नी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं।
अच्छा, इसके पहले आप देख लो इसमें इस फ्लो चार्ट के माध्यम इस पाई चार्ट के माध्यम से नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन करीब 78% है, ऑक्सीजन 20.9% और बाकी का जो है वह आपका 1% में आपका आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड यदि 0.98% करीब में वाटर जो वेपर है जो जलवाष्प है वो 2% तक वो जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये आपकी वेरिएबल गैसेज हैं, आपके आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके सॉरी जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर वगैरह क्या है सब सब के सब वेरिएबल है। ठीक है, तो यह वायुमंडल का क्या हुआ दोस्तों, यह संघटक हुआ। पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का जो रासायनिक संघटक है वो कौन कौन सा है इसमें, तो देखिए नाइट्रोजन ये आपका पहला क्या है दोस्तों, तो पहला है आपका नाइट्रोजन। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र इसका होता है N2। ठीक है, ये एक में लिखा गया है, ये होगा इस तरह N2 और ये कितना है तो 78.8% है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, तो ऑक्सीजन कितना है 20.95। आर्गन, ठीक है, आर्गन कितना है 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र ऐसे होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो 0.036%। आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो इतना कम है लेकिन यह कितना महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, नियोन, नियोन का कितना है तो 0.002%। हीलियम, हीलियम का कितना है तो 0.0005%। क्रिप्टन, तो क्रिप्टन का कितना है तो आपका 0.001%। और फिर आपका है जेनॉन, तो जेनॉन का कितना है तो जेनॉन है 0.0009%। और आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यह कितना है दोस्तों तो 0.00005%। ठीक है, तो यह जो है वो पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब सबसे पहले देखते हैं कि जो आपकी जो परमानेंट जो गैस है, जो कांस्टेंट गैस है, उसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो गैस है वो कौन सा है, यह आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो आइए नाइट्रोजन के बारे में हम लोग कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, तो नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख है, सर्वप्रमुख है। कितना परसेंटेज है दोस्तों इसका, तो इसका परसेंटेज है आपका 78.8%। ठीक है, जितने भी आपके गैसीय जो पदार्थ जो मौजूद हैं उसमें 78.8% क्या है आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, इस नाइट्रोजन की दोस्तों विशेषता यदि देखी जाए, इस नाइट्रोजन की विशेषता क्या क्या है, नाइट्रोजन की, इस नाइट्रोजन की दोस्तों इस नाइट्रोजन की विशेषता क्या क्या है, तो देखिए इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो यह जो दोस्तों नाइट्रोजन जो होता है वह आपका रंगहीन होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन भी होता है, इसमें से कोई गंध भी आपको नहीं आता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है वो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। इसकी उपस्थिति में वस्तुएं तेजी से नहीं जल पाती है। ठीक है, नाइट्रोजन की उपस्थिति में, नाइट्रोजन की उपस्थिति में वस्तुएं, वस्तुएं, वस्तुएं तीव्रता से नहीं जल पाती हैं, तीव्रता से नहीं जल पाती है। ठीक है, और क्या इसकी विशेषता है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो नाइट्रोजन जो है आपका नाइट्रोजन वह दोस्तों एमिनो एसिड, जो आपका एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड का महत्वपूर्ण अंग है, एमिनो एसिड का महत्वपूर्ण अमीनो एसिड का महत्वपूर्ण अंश है।
और यह एमिनो एसिड क्या है? यह एमिनो एसिड दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है इससे, और यह जीवन जीव मंडल के सभी जीवधारियों के लिए क्या है? आवश्यक है। यह जो आपका एमिनो एसिड है, इससे क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। इससे क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटीन का निर्माण होता है, और यह आपके जीवधारियों के लिए क्या है दोस्तों? आवश्यक है। ठीक है, यह जीवधारी जितने भी जो जीवधारी हैं, जीव उनके लिए क्या है? जीव के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यह सारा जो है वह हमारे नाइट्रोजन की जो विशेषता हुई कि वायुमंडलीय गैसों में यह सर्व प्रमुख गैस है। गुड इवनिंग सोनम जी। तो वायुमंडलीय गैसों में यह सर्व प्रमुख गैस है। 78.8% इसकी जो है वो आपकी परसेंटेज है, और यह रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस होती है। इसकी उपस्थिति में वस्तुएं तीव्रता से नहीं जल पाती हैं, और नाइट्रोजन जो है वो एमिनो एसिड का महत्वपूर्ण अंश होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है, और इसी एमिनो एसिड से प्रोटीन का दोस्तों निर्माण होता है। और प्रोटीन हमारे जीवधारी के लिए, जो जीव है, जो हमारी जो जीवन है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पता ही है। प्रोटीनेक्स हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और अभी चूंकि कोरोना का संक्रमण चल रहा है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर प्रोडक्ट्स जो अपने आप को कह रहे हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स को आप यूज करेंगे तो आप कोरोना से बचेंगे। ठीक है, तो इमिनो एसिड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यह नाइट्रोजन जो है वो इसमें पाया जाता है, और इसलिए हमारे लिए यह इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो दोस्तों क्या है? नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन है। चलिए इसका कलर चेंज कर दिया जाए, और चलिए ये कलर रखते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? तो ऑक्सीजन है आपका 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की दोस्तों क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन? तो बाकी तो वैसे साइंस में आप पढ़ेंगे ही, पढ़ ही रहे होंगे। तो क्या क्या विशेषता है? तो यह हमारे लिए प्राण दायिनी गैस है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। प्राण दायिनी गैस है। ठीक है, जितने भी आपके जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं? श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? आपको ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, अपने अंदर खींचते हैं, और आपको बदले में प्रोडक्ट्स के रूप में आपको ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं उपयोग? हम लोग श्वसन क्रिया में, हम लोग जो सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और बिना ऑक्सीजन के मामला गड़बड़ हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि जो शहर हैं, बड़े बड़े जो आपके मेट्रोपॉलिटन जो सिटी हैं, उसमें बहुत सारे जो हैं वो प्योर ऑक्सीजन के आपको ये खुल चुके हैं, दुकान उसको कह सकते हैं आप, हैं खुल चुके हैं कि भाई आप आइए और आके प्योर ऑक्सीजन हमारे यहाँ लीजिए। क्यों? क्योंकि इतना पॉल्यूशन फैल गया है मेट्रोपॉलिटन सिटी में कि पूछो मत। अब देखो, अब अक्टूबर का सीजन है, और जैसे ही आपका दिवाली और छठ के बाद क्या होगा कि दिल्ली और जितने भी जो आपके जो शहर हैं इधर, उसमें क्या होगा? आपको जो पॉल्यूशन का जो है वो धुंध छा जाएगा। ठीक है, और स्कूल से लेके सब चीज क्या होगा? अंत में बंद करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को आप मत काटिए, क्योंकि जब आप पेड़ पौधों को काट देंगे तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, सप्लाई बंद हो जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई जब हमको नहीं मिलेगी तो फिर मामला गड़बड़ है, राम नाम सत्य है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? तो हमने तो सांस सांस में ऑक्सीजन का प्रयोग किया, उसके अलावा जो हम लोग खाना बनाते हैं, तो जब खाना बनाते हैं तो खाना किस पे बनता है? ईंधन पे बनता है। चाहे आप लकड़ी जला के आप खाना बनाएं, चाहे आप जो है गैस चूल्हा जला के खाना बनाए, ठीक है, तो ईंधन पे ही खाना बनता है। और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यदि आप ईंधन को जलाएंगे तो ईंधन आपका जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके बिना ईंधन का जलना क्या है दोस्तों? असंभव है। इसके बिना, इसके बिना ईंधन का जलना, इसके बिना ईंधन का
जलना असंभव है। ठीक है, असंभव है, इसके बिना ईंधन का जलना दोस्तों असंभव है। और इसलिए क्या है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑक्सीजन क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन के बारे में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीजें हुई जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका ऑर्गन है। ऑर्गन कैसा है दोस्तों गैस है, तो अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस किसको कहते हैं, जो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो जो ऑर्गन है, ऑर्गन आपका अक्रिय गैस है, और इसका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कितना है, तो ये 0.93% तक यह जा सकता है या आपके वायुमंडल में मिल सकता है। ठीक है, और चूंकि अक्रिय गैस है तो इसलिए कोई रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक क्रिया या गैस नहीं करती है। अन्य जो अक्रिय गैस हैं वायुमंडल में वो कौन कौन से हैं, जो अन्य जो अक्रिय गैस हैं, अन्य जो अक्रिय गैस हैं हमारे वायुमंडल में वो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो वह है आपका हीलियम है, हीलियम है। ठीक है, फिर आपका क्या है, तो आपका नियोन है, फिर आपका क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन भी क्या है, रेडॉन भी आपका अक्रिय गैस ही होता है। ठीक है, रेडॉन है, ये सारे के सारे दोस्तों क्या होते हैं, ये सब अक्रिय गैस हैं। ठीक है, तो यह जो आपके जो परमानेंट जो गैस हैं, आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, उनके बारे में हम लोगों ने चीजों को देखा। अब देखते हैं जो हमारे जो वेरिएबल जो गैसेस हैं, तो वेरिएबल गैसेस में जो आपका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो गैस है, जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना इसको, इसका परसेंटेज है, तो इसका परसेंटेज 0.03% तक यह आपको नेचुरली वायुमंडल में, वायु प्राकृतिक रूप से यह वायुमंडल में आपको उपलब्ध है। ठीक है, और यह कैसा गैस है दोस्तों, तो यह एक भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है। कैसा गैस है, तो यह भारी गैस है। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों, तो सौर जो विकिरण है, जो लघु तरंगों के माध्यम से जो सौर विकिरण जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही है, पृथ्वी पे आ रही है, तो यह सौर विकिरण के लिए पारगम्य है। मतलब कि सौर विकिरण जो है वो इसको पार करके इसको आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो आपका पार्थिव विकिरण है, पार्थिव यानी कि पृथ्वी से जो विकिरण हो रहा है उष्मा का, जो पार्थिव विकिरण, उसके लिए दोस्तों यह अपारगम्य है। पार्थिव विकिरण के लिए क्या है दोस्तों, तो पार्थिव विकिरण के लिए क्या हुआ यार, पार्थिव विकिरण के लिए यह अपारगम्य है। ठीक है, तो अब देखिए जो सौर विकिरण जो आ रहा है, जो लघु सौर तरंगों के माध्यम से जो सौर विकिरण पृथ्वी पहुंच रहा है, उसके लिए तो यह पारगम्य है। लेकिन अब जब उष्मा का जब रेडिएशन जो है वो पार्थिव विकिरण जो दीर्घ तरंगों के माध्यम से हो रहा है, उसको यह क्या कर रहा है कि जो अपारगम्य ये बना दे रहा है। अब क्या हुआ कि अब यह वायुमंडल में ही सारा का सारा उष्मा रह गया, तो जिससे क्या होगा, जिससे जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है, पृथ्वी का वायुमंडल का, वो क्या होगा दोस्तों, वह आपका बढ़ेगा। जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल का जो दोस्तों जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा आपको, अब देखिए उससे पहले एक बात और समझिए, यह सौर विकिरण के लिए क्या है दोस्तों, पारगम्य है, और पार्थिव विकिरण के लिए यह क्या है, अपारगम्य है। तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से जब जिन सौर विकिरण का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश हुआ, उनको तो यह आने दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और जो दीर्घ तरंगों के माध्यम से जो पार्थिव विकिरण हो रहा है, उनको अब वापस जाने नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से यह क्या करेगा कि पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान के संतुलन को यह बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की आप विशेषता समझिए कि इसका क्या है, इसका कार्य, तो यह एक भारी गैस है, और जो सौर विकिरण है,
इस सौर विकिरण को या पृथ्वी के वायुमंडल में जब वो सौर विकिरण जब लघु तरंगों के माध्यम से प्रवेश करेंगी तो उनको आने देगा, पारगम्य है भाई, आ जाओ तुम। लेकिन अब पृथ्वी क्या कर रही है कि अब उस उन उष्मा को जब पार्थिव दीर्घ तरंगों के माध्यम से जब उसका विकिरण कर रही है तो अब उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड कि पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को क्या करेगा, संतुलित रखेगा। लेकिन जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड का मानव जनित कारकों से या किसी भी कारकों से जब इनका वायुमंडल में सांद्रता बढ़ जाएगी तब क्या करेगा, यह अपने विशेषता के अनुसार अपने नेचर के अनुसार जो तापमान है जो उसमें है उसका तो बाहर उत्सर्जन होने देना देगा नहीं। नतीजा क्या होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान दोस्तों क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा और इसी से क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो होगी दोस्तों वह जन्म लेगी। तो यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पे प्रतिबंध लगाने के लिए जो है पूरे विश्व स्तर पे विश्व जो समुदाय है वह बेचैन है। क्यों, क्योंकि यह अपने कार्यक्रम के अनुसार या अपने क्रियाकलापों के अनुसार जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को यह दोस्तों पैदा करेगा, ठीक है। तो यह आपका हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है जो ओजोन, ओजोन क्या है, तो ओजोन ही जो आपका जो है वो जीवन रक्षक परत है। ओजोन, ओजोन का आपका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, तो O3 फॉर्मूला होता है इसका, O3 जीवन रक्षक परत है, ठीक है। और यह काम कैसे करता है दोस्तों, तो यह एक फिल्टर की तरह काम करता है। एक्चुअली क्या है ना कि इस पे अभी पेंटे पे लिखने का आदत नहीं है तो धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे बेहतर लिखा जाए, तो थोड़ा सा आप लोगों को सब्र करना होगा। तो ओजोन क्या करेगा, ओजोन एक फिल्टर की तरह काम करेगा, यानी कि जो परा बैगनी जो किरणें हैं, जो परा जो बैगनी जो किरणें हैं, परा बैगनी किरणें, उनका दोस्तों क्या करेगा, उनका तो अवशोषण कर लेगा, पराबैंगनी किरणों का यह अवशोषण कर लेगा और अन्य जो आपके जो सौरिक जो विकिरण है उनको क्या करेगा, वो पृथ्वी तक आने देगा। तो यह क्या है, यह फिल्टर है। जैसे मान लो कि हम लोग लगाते हैं ना आरओ, आरओ किस लिए लगाते हैं, ताकि हमको स्वच्छ जल मिले, तो वो क्या करता है, वो फिल्टर करता है कि जो भी हानिकारक जो एलिमेंट हैं जो आप जल के द्वारा जो आपके शरीर में पहुंच के आपको हानि पहुंचा सकते हैं उनको क्या करता है, वो फिल्टर कर लेता है और प्योर जो आपका जो जल है उसको वो आप तक उपलब्ध कराता है। तो ओजोन भी हमारा यही काम करता है कि ओजोन फिल्टर करता है, जो घातक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनका अवशोषण कर लेता है और उसके बाद जो पृथ्वी के जो निवासी हैं उनको पराबैंगनी किरणों के घातक प्रभाव से बचाता है। तो इसीलिए ओजोन, अगर यदि ओजोन में छिद्र हो गया, यदि ओजोन रिक्तिकरण हो गया तो जाहिर सी बात है कि फिल्ट्रेशन की क्रिया क्या होगी, बाधित होगी और पराबैंगनी किरणें आराम से पहुंचेंगी और आराम से अपना कार्यक्रम करेंगी और स्किन से स्किन जो कैंसर है उसको आप बांटेंगी, ठीक है। तो ओजोन इसीलिए हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां यह पाया जाता है ओजोन, ओजोन दोस्तों कहां पाया जाता है, तो यह आपके समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल के निचले भाग, समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वो आपको ओजोन का क्या है, सघन परत है, ठीक है। ओजोन का सघन परत, सघन परत है, ठीक है, सघन परत है। ओजोन में जो छिद्रकरण जो होता है, रिक्तिकरण होता है, वो किसके कारण होता है, ओजोन जो आपका जो छिद्र है, जो ओजोन में छिद्र है वह किससे होता है, तो आपके नाइट्रस ऑक्साइड जो प्रमुख हैं, नाइट्रस ऑक्साइड
आपका सीएफसी, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इन जो चीजें हैं इनसे क्या होता है, ओजोन में छिद्र जो होता है वो व्यापक तौर पे होता है। नाइट्रक्स ऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ कैसे होता है वहां पे, तो जो आप जेट विमान जो देखते हैं, जो अभी जो हथियारों की होड़ जो पूरी लगी हुई है पूरे विश्व स्तर पे, तो जो जेट विमान है इन जेट विमानों से जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड का दोस्तों उत्सर्जन होता है। और जो हम लोग जो भौतिकवादी जो जीवन जीते हैं, थोड़ी सी गर्मी हमको बर्दाश्त नहीं है, थोड़ा सा हम गर्म पानी नहीं पियेंगे, एकदम हमको ठंडा पानी चाहिए फ्रिज का, तो जो आपका एयर कंडीशनर है, जो आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, इन सारे जो चीजें हैं, जो आप परफ्यूम मारते हैं, तो इन सब से क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन का उत्सर्जन होता है। और ये नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरो फ्लोरो कार्बन इत्यादि ये ओजोन परत को क्या करती हैं, उनको छेद करती हैं, उनको कमजोर करती हैं, उनका विनाश करती हैं, ठीक है। और यदि ओजोन परत का विनाश हो गया तो फिर आप समझ लो कि मामला क्या है, मामला आपका खत्म है। क्यों? क्योंकि पराबैंगनी किरणों का घातक प्रभाव से बचाने वाला ही क्या हो जाएगा, जब चला जाएगा तो फिर आप कैसे बचेंगे। तो इसलिए ओजोन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये फिल्टर का काम करता है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है, और यह जो है वो आपको समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका सघनता से विस्तार है। ठीक है, तो ओजोन का ये है। आगे जलवाष्प, जलवाष्प देखते हैं, जलवाष्प, ठीक है। जलवाष्प का महत्व क्या है दोस्तों, जलवाष्प का महत्व क्या है, जलवाष्प का महत्व, तो इसका दोस्तों जलवाष्प का मौसम संबंधी अधिक महत्व है, मौसम संबंधी। हां सुकृति, जो तुम कह रही हो वही है, ठीक है। तो मौसम संबंधी, मौसम संबंधी इसका महत्व जो है दोस्तों वो इसका अधिक है, ठीक है। कैसे मौसम संबंधी महत्व इसका अधिक है, कैसे है जलवाष्प का मौसम संबंधी महत्व अधिक कैसे है, तो वर्षण के जितने रूप हैं, वर्षण का जितना रूप है, वर्षण का, इस तरह लिखो, वर्षण का जो सभी रूप जलवाष्प पे ही निर्भर करते हैं, वर्षण का सभी रूप जल वाष्प पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। और वर्षण के रूप क्या होते हैं, तो वर्षण जो होता है, हम लोग वर्षण पढ़ेंगे तो वहां तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यहां मैं आपको समझा रहा हूं। तो वर्षण दो रूप में होता है दोस्तों, एक तो होता है आपका ठोस रूप में और एक होता है आपका तरल रूप में, एक होता है आपका तरल रूप में। ठोस रूप में वर्षण कैसे होता है, तो जो आपका हिमपात है, हिमपात, हिमपात, ओला, ओलावृष्टि, ठीक है, आपका पाला, ये सब वर्षण के ठोस रूप है, ठीक है। और वर्षण का, ये नहीं, वर्षण का जो तरल रूप है वह क्या है दोस्तों, तो जैसे आपका ओस, कुहरा, जल वर्षा, ये सब आपके वर्षण के तरल रूप है, ठीक है दोस्तों। तो जलवाष्प का महत्व हमारे लिए मौसम संबंधी अधिक है, और वर्षण के जितने भी रूप हैं वो सब जलवाष्प पर ही निर्भर करते हैं। वर्षण आपको ठोस और तरल दोनों रूप में होता है, जो आपका हिमपात, ओला, पाला इत्यादि है, यह वर्षण का ठोस रूप है, और जो आपका ओस, कुहरा, जल वर्षा इत्यादि है, यह वर्षण का आपका तरल रूप है, ठीक है दोस्तों। तो यह जलवाष्प हुआ, और जलवाष्प का इस प्रकार हमारे लिए महत्व है, ठीक है। जलवाष्प के बाद क्या था तीसरा दोस्तों, एरोसॉल था। यहां से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, एरोसॉल क्या है दोस्तों, तो वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थों, जो सस्पेंडेड जो पार्टिकुलर मैटर है, एसपीएम, मेरे ख्याल से शायद बीपीएससी ने भी इस प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो एरोसॉल जो है वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थ, यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर जो मैटर है एसपीएम, तथा तरल बूंदों को हम सम्मिलित रूप से एरोसॉल कहते हैं,
एरोसॉल वायुमंडल में निलंबित कणिकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से एरोसॉल कहते हैं। एरोसॉल के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या शामिल होते हैं, तो जैसे जब आपका ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो आपके धूल एवं राख के जो कण निकलते हैं उनको हम एरोसॉल में शामिल करते हैं। जब आप खेत की जुताई करते हैं तो खेत की जुताई के बाद जो धूल कणों का जो जब उठते हैं और जो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उनको हम एरोसॉल के अंतर्गत शामिल करते हैं। रेगिस्तान से जो रेत कण को जो उड़ाया जाता है, जो उड़ाए गए जो रेत कण हैं वो भी क्या है, एरोसॉल के पार्ट हैं। चट्टानों का जब यांत्रिक रूप से अपक्षय होता है तो उस उन यांत्रिक अपक्षय के कारण जो चट्टानी जो टुकड़े हैं जब उनका वायुमंडल में जब प्रवेश होता है तो उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। इसके अलावा जो सागरीय सतह से निकले नमक के जो कण हैं इन नमक के कणों को भी हम लोग एरोसॉल के तौर पे शामिल करते हैं। ठीक है, आपके उल्का के पिंड हैं, उल्का कण जो हैं जब आपके वायुमंडल में उल्का कण प्रवेश किए और पूर्ण तरीके से नहीं जल पाए तो उनके जो आपके टुकड़े हुए छोटे छोटे टुकड़े वो भी क्या है, एरोसॉल के अंतर्गत शामिल करते हैं। आपके बैक्टीरिया, परागन, जो बीज इत्यादि है, जो ये सब जैविक पदार्थ हैं इनको भी हम एरोसॉल में शामिल करते हैं। जो धुआं है, कालिक है, कालिक को ही यूपीएससी ने पूछा था संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम में, आई थिंक 2009 या 2010 में। ठीक है, तो आपके धुआं, कालिक इत्यादि ये सब भी क्या है, ये सब एरोसॉल के उदाहरण है। ठीक है, एरोसॉल वास्तव में है क्या दोस्तों, तो ये सारे के सारे आप देखेंगे कि वायुमंडल के परिवर्तनशील तत्व हैं। ठीक है, इनमें वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन इनका होते रहता है। ठीक है, तो कौन कौन से पदार्थ देखा आपने, तो ज्वालामुखी उद्गार से जो आपका धूल कण जो निकला, जो राख निकला, आपका जो किसी खेत की जुताई से उड़ाए गए जो आपके जो कण हैं, आपके ज्वालामुखी ज्वालामुखी कर रहे हैं, हाँ ज्वालामुखी विस्फोट तो हुआ ही, आपके जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान से जो रेत के कण उड़ाए जा रहे हैं वो, चट्टानों के जो टुकड़े हैं या सागरीय सतह से जो निकले हुए जो आपके नमक के कण हैं, या आपके उल्का पिंड, जैविक पदार्थ जिसमें आपका बैक्टीरिया है, परागण है, बीज है, धुआं, कालिक, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये सारे के सारे एरोसॉल के उदाहरण हैं, एरोसॉल के मेंबर हैं। ठीक है, और ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपके वेरिएबल हैं। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित ठोस कणों के कारण मौसम की दशाओं में विविधता का सूत्रपात होता है। ये जो एरोसोल जो पहुंचे आपके वायुमंडल में, ये सब क्या है, ये सब ठोस कण है। ठीक है, तो और इनके कारण क्या होता है कि वायुमंडल में मौसम की दशाओं में विविधता आती है, डाइवर्सिटी आती है। कैसे आती है दोस्तों, तो देखिए अधिकांश जो ठोस कणिकीय पदार्थ हैं, सस्पेंडेड जो पार्टिकुलर जो मैटर हैं, वो वायुमंडल में निलंबित अर्थात लटके हुए रहते हैं। मतलब कि ऐसे ही क्या है, लटके हुए हैं वायुमंडल में, और इन्हीं ठोस कणों के द्वारा सूर्य से आने वाली जो लघु तरंग विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का सिलेक्टिव स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन होता है, और इन्हीं प्रकीर्णनों के कारण कई नयनाभिराम रंगों का आविर्भाव होता है और दृश्य आपका उत्पन्न होता है। जैसे आप देखते होंगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो लाल, जो लालिमा जो पैदा होता है, नारंगी रंग का जो उत्पन्न होना, ये क्या है, यह प्रकीर्णन के कारण है। और यह प्रकीर्णन जो सिलेक्टिव जो स्केटिंग है वो किसके कारण संभव हो पाता है, इन्हीं जो वायुमंडल में जो उपस्थित जो ठोस जो कणिकीय पदार्थ हैं, सस्पेंडेड जो पार्टिकुलर मैटर हैं, उनके कारण। ठीक है, इसके अलावा आप देखते होंगे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना भी इन्हीं जो ठोस कण हैं उनका प्रभाव है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प कण तथा एरोसॉल सौरिक विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण कर लेते हैं और कुछ भाग का क्या करते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन कर देते हैं। हम लोग जब उष्मा बजट पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प कण तथा एरोसॉल सौरिक विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण कर लेते हैं तथा कुछ भाग का रिफ्लेक्शन कर देते हैं। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित ये ठोस कण मुख्यतः नमक के जो कण हैं, जो सागरीय सतह से जो नमक के कण जो उड़े, वो क्या करते हैं, वो आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। ठीक है, यह जैसे मान लो कि यह पूरा आसमान में क्या है, ये लटके हुए ये सब आर्द्रता ग्राही नाभिक हैं। अब इन्हीं जो जो आपका जो ये टुकड़े हैं, जो कण हैं, इन्हीं के चारों तरफ क्या होगा, संघनन के क्रिया के द्वारा बादल आदि का निर्माण होगा। इनको हम लोग जल सीकर कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग जल सीकर।
जल सीकर हम लोग कहते हैं, और इन्हीं के कारण, इन्हीं के चारों तरफ क्या होता है, आपके बारिश के बूंदों का संघनन के प्रक्रिया के द्वारा जो है वो निर्माण होता है, जल सीकर, कोहरा, बादल इत्यादि का निर्माण होता है। और जब क्या होता है कि अब वो इन संघनन के बाद जब इन जलवाष्प के कणों को यह अब संभालने में सक्षम नहीं होते हैं, तो यह बारिश के बूंदों के रूप में ही, वर्षण के रूप में ही क्या होता है, यह पृथ्वी के धरातल पे गिरता है। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल में उपस्थित ये ठोस कण, मुख्यतः नमक के कण, आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, जिसके कारण जल सीकर, कोहरा, बादल आदि का निर्माण होता है। जल सीकर मतलब क्या कि इनके चारों तरफ जो है वो बारिश के बूंदों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा। और जब जो अब जब ये कण जो जो आपके संघनन के बाद जो जलवाष्प के जो जो आपके मात्रा है उनको जब अपने पास जब संभालने में सक्षम नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, उनको वो धरातल पे बारिश के बूंदों के रूप में क्या करेंगे, उसको वो गिराएंगे, ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वर्षा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प कण तथा एरोसोल सौरिक विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण कर लेते हैं तथा कुछ भाग का रिफ्लेक्शन कर देते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ये ठोस कण आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, जिसके कारण जल सीकर, कोहरा, बादल आदि का निर्माण होता है तथा विभिन्न प्रकार के संघनन एवं वर्षा का आविर्भाव होता है। ठीक है, ये यदि आर्द्रता ग्राही नाभिक वायुमंडल में नहीं उपस्थित होंगे तो फिर वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो सोचो कि जो है वो जल जो आपके आर्द्रता ग्राही जो नाभिक है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जब नगरों के ऊपर व्याप्त धुएं का संबंध क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से हो जाता है, तो जहरीले नगरी धुएं का निर्माण होता है। जो धुआं जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले जो हमने जिक्र किया कि क्या होता है कि जब आपको दिवाली छठ के समय उस समय क्या होता है कि इतने पटाखे हम लोग छोड़ते हैं कि उनका प्रभाव और जो पराली जो किसानों के द्वारा जलाया जाता है उनका भी थोड़ा बहुत प्रभाव जो है वह मिलके, और सल्फर डाइऑक्साइड से जब इनका जब रिएक्शन होगा तो जहरीली नगरी कोहरे जो अर्बन जो स्मॉग है उसका निर्माण होता है, और उसमें क्या होता है श्वसन संबंधी जो समस्या जो पैदा होती है, और जो व्यक्ति जो दमा का पेशेंट है, जो हार्ट डिजीज का पेशेंट है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पे यह विशेष तौर पे क्या करता है, हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो देखिए कि ये सब चीजें जो है वो कितनी आपको जो है वो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, तो नगरों के ऊपर व्याप्त धुएं का संबंध सल्फर डाइऑक्साइड से जब हो जाता है तो जहरीली नगरी धुएं का, अर्बन स्मोक का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों वायुमंडल का संगठन हुआ। वायुमंडल में मूल रूप से तीन तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो गैस, जलवाष्प और एरोसोल। जलवाष्प क्या है उसके बारे में हम लोगों ने देखा पढ़ा, आपके जो एरोसोल क्या है, किन किन लोग किन किन चीजों को एरोसोल के अंदर शामिल करते हैं उनको हमने देखा। गैसीय पदार्थों को हमने देखा कि जो गैसीय पदार्थ हैं उनको हम लोग दो भागों में उनको वर्गीकृत कर सकते हैं, आपके जो परिवर्तनशील गैस और आपके स्थिर गैस। तो स्थिर गैसों में हम लोगों ने किसको देखा, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन मुख्य रूप से, और परिवर्तनशील गैसों में हम लोगों ने जलवाष्प को भी उसमें शामिल किया, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, नाइट्रो कार्बन डाइऑक्साइड है, और हम लोगों ने देखा क्या और बहुत सारे जो गैसें जो हैं आपके जो उनको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से जो वायुमंडल का संगठन जो है वो बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है तो इसलिए जो है वो आज जो है वो क्लास को मैं खत्म कर रहा हूँ। तो कल जो है, कल बाकी का जो भी प्रश्न वगैरह है उस प्रश्न को मैं लूंगा, क्योंकि सर मेरा बहुत दर्द कर रहा है और पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है सुकृति, तो कल हम लोग फिर एसिड रेन पे डिस्कस करते हैं बाबू, आज के लिए जो है वो क्षमा प्रार्थी हैं हम। तो चलिए आज का, आई होप कि इस तबीयत खराब में भी आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे रेफरल कोड राकेश1 का आप उपयोग कीजिए, और आप अपने फीस में 10% का दोस्तों डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। आज जो है वो एनर्जी भी अंदर से नहीं लग रही है तो इसलिए आवाज़ भी धीमी निकल रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के संग, और आई होप कि कल तक तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बाकी की जो चीज़ें हैं आज का भी जो आपकी क्वायरीज है उसको हम कल हम लोग पूरा करते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।